नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे कि Google Pay में जो आपका बैंक अकाउंट होता है वो लिंक नहीं हो पा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों मैं आपको परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगा, और जो मैं ये सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ वो YouTube पे कोई भी वीडियो पे अवेलेबल नहीं है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि यह जो मैं प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा था, ये आप देख सकते हैं कि ऐसी नोटिफिकेशन आ जाती है, योर बैंक अकाउंट में बी लिंकड टू मल्टीपल अकाउंट होल्डर और योर मे नॉट हैव अ वैलिड अकाउंट एट दिस बैंक। तो दोस्तों यह जो नोटिफिकेशन आती है ये आपको बैंक अकाउंट को लिंक नहीं हो पाता है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक नहीं हो पाता है, ये इस नोटिफिकेशन के कारण एरर आ जाती है। पर दोस्तों मैं आपको परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगा, क्या सिचुएशन आखिरकार होती है। दोस्तों मैं आपको इसके दो सॉल्यूशन बताऊंगा सिंपली, तो आपको दोनों ही ध्यान से देखने हैं। मैं आपको कहूंगा, मैं करके नहीं दिखाऊंगा पर कहूंगा, क्योंकि यह प्रॉब्लम को बैंक अकाउंट वाले सोल्व करने वाले हैं, इसीलिए हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको सजेशन देंगे आपको। तो दोस्तों इससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाय होल्ड कीजिए ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है तो ये देखिए कि आपका जो अकाउंट है वो कोई और बैंक में भी यही नंबर से ऐड है, या फिर ये नंबर आपका जॉइंट अकाउंट में है, ऐसा ये बैंक वाले कहते हैं। और यूट्यूब में भी मैंने कई सारे वीडियो देखे हैं तो ये सब कुछ वहाँ पे किया जाता है, कहा जाता है। तो दोस्तों आज मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। दोस्तों होता क्या है, अगर आपकी एज 19 के नीचे है, यानी कि 18 के नीचे है, या और आप बैंक अकाउंट को लिंक करना जा रहे हैं तो ये नहीं होगा। क्योंकि जो आपका बैंक अकाउंट है, अगर आप 18 एज के नीचे है, आपका अगर एज जो है वो 18 है और उसके आप नीचे हैं 18 के, यानी कि 16 17 15 है, तो ये बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो अकाउंट है वो माइनर में होता है, इसीलिए ये सिचुएशन आती है। मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये माइनर अकाउंट चला जाता है, आप देख सकते हैं माइनर और मेजर। यहाँ पे दोस्तों एक माइनर होता है जिसमें आप 18 के नीचे हैं अगर, तो 15 16 14, तो ये अकाउंट आप बैंक वाले माइनर कर देते हैं। अगर दोस्तों आप 18 प्लस हैं और आपने मेजर नहीं करवाया है तो ये सिचुएशन आपको फेस करनी ही पड़ेगी, मैं आपको दावे के साथ कहूँगा। दोस्तों यही कारण था, क्योंकि मैं भी यही सिचुएशन फेस कर रहा था, फिर मैंने बैंक में कहा कि ऐसा आ रहा है, मेरा एक ही नंबर है जो एक ही अकाउंट में लिंक है, फिर भी ऐसी नोटिफिकेशन आ रही है। तो उसने चेक किया और उसने कहा कि यह आपका अकाउंट जो है वो माइनर में है, मेजर में नहीं है, उसने फिर माइनर से मेजर कर दिया। तो दोस्तों जैसे ही उसने मेजर किया तो तुरंत ही वहीं बैंक में मेरा अकाउंट जो है वो गूगल पे के साथ लिंक हो गया था। तो दोस्तों यही सिचुएशन होती है, जो कि गलती से बैंक वालों ने या माइनर में डाल दिया होता है, या फिर आप माइनर ही है, यानी कि अगर आपकी एज जो है वो 18 से नीचे है तो आपका जो अकाउंट है वो मेजर नहीं होगा, वो माइनर ही होगा, बैंक अकाउंट वाले माइनर ही कर देंगे। पर अगर दोस्तों आपकी 18 से प्लस है फिर भी ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इसका दो सॉल्यूशन है दोस्तों, यानी कि अब यह नंबर जो है, यह नंबर आपका जो ये नंबर होता है जो लिंक होता है बैंक के साथ, वो किसी और बैंक में भी हो सकता है, किसी और अकाउंट में भी हो सकता है, या फिर किसी दो अकाउंट में भी हो सकता है। यानी कि आप अगर चला रहे वो अकाउंट और शायद आपने इन फ्यूचर में या फिर अपने पास्ट में कोई भी अकाउंट खोल रखा हुआ है और वो अकाउंट में भी आपने यही नंबर डाला हुआ है, तो फिर ये सिचुएशन फेस हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सिंपली सॉल्यूशन है, अगर आपका अकाउंट एक ही बैंक में है और एक ही मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है फिर भी ये नोटिफिकेशन आ रही है, तो दोस्तों यह है माइनर और मेजर का प्रॉब्लम। दोस्तों मैं परफेक्ट दावे के साथ कह सकता हूँ, आप बैंक में जाइए SBI में या फिर आपकी जो भी ब्रांच है, और वहाँ से आप कहिए कि आपको मेरा जो अकाउंट है ये लिंक नहीं हो पा रहा है और मेरी 18 के नीचे थी, अब मैं 18 से प्लस हो चुका हूँ, तो दोस्तों ये मेजर अकाउंट कर देंगे आपको, तुरंत ही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यह सॉल्यूशन है, दूसरा कुछ तो इसमें है नहीं। अगर फिर भी आपका एक ही अकाउंट में है नंबर और फिर भी ये नोटिफिकेशन आ रहा है, तो दोस्तों ये कुछ यूट्यूब में ऐसी ट्रिक कही जा रही है कि अगर आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग के बाद आपको इंस्टॉल ऐप में जाकर
इंस्टॉल ऐप में जाकर आपको यहाँ पे गूगल पे में जाना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कैश डेटा है उसको क्लोज कर देना है और फिर से आपको नया डेटा बनाना है। देखिए यहाँ पे जो कैश डेटा है यहाँ पे उसको 10.8 MB का उसको क्लोज कर देना है और उसके बाद आपको नया अकाउंट इसमें गूगल पे में आपको बनाना है इसमें और फिर आपको ट्राई करनी है। पर दोस्तों ये अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये आप बैंक में जाइए और ये दोस्तों माइनर मेजर का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये सेम सिचुएशन मैं फेस कर रहा था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने कई बार ये मतलब कि एरर पाई है पर फिर मुझे लगा कि इसको बैंक में लेके जाना चाहिए इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को। फिर दोस्तों जाके ये सिचुएशन सॉल्व हुई। तो दोस्तों सिंपल सिचुएशन है, सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ है नहीं। अगर आपका अकाउंट माइनर में है तो आपको यह सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, अगर मेजर में आप करवा लेते हैं तो यह आपका अकाउंट जो है वो सिंपली से लिंक हो जाएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो सिंपली लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।